हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कुछ ज्यादा ही जल्दी मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं पर जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो आपको बाद में अपडेट करती हूँ। अभी तो मैं खुद होश में आ गया हूँ क्योंकि अभी मैंने टाइम दिखाया पीछे आपको, मैं 4 AM पे उठी हूँ और बाकी सब रेडी है। PC अपडेट पर लगाया था जो कि कम्प्लीट हो चुका है। एंड अभी अपने लिए मैं कैब देख रही थी, लेकिन मेरे घर का वाईफाई और दोस्त सेम, जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आते। मस्त जोक मारा रे। वाईफाई चल ही नहीं रहा इस टाइम पे। अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल का मजा ही अलग है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सुबह उठने में। ये मेरी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी है क्योंकि ये कानपुर से ही डायरेक्ट चलती है। सो मैं जा रही हूँ दिल्ली अपने भाई के पास इतनी सुबह सुबह। सो दिस वॉज माई फर्स्ट शताब्दी जर्नी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वीडियो में बने रहेंगे तो सब बताऊंगा। और अब हमारी ट्रेन राइट टाइम पर प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है हमारे सफर की ओर, और मैं गाजियाबाद तक जाऊंगी, मैं दिल्ली तक नहीं जाऊंगी। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ शताब्दी ट्रेन का इंटीरियर। सो ये है लेग रेस्ट, ये वाटर बॉटल होल्डर, और ये सामने ट्रे जो कि नाश्ता करने के लिए, और ये अद्भुत नज़ारे विंडो से, क्योंकि मैं उस टाइम पर गई थी जब कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी 3-4 दिन से, और बारिश के बाद वेदर और नज़ारे क्या कहने, एक नंबर। ऐसे वेदर में टोमेटो सूप मिल जाए तो क्या ही कहने। और मेरे साथ एक चीज़ ये है कि मुझे टोमेटो सब्जी में नहीं पसंद, बट टोमेटो सूप पसंद है। कि आप सभी के साथ कैसा है तो कमेंट में ज़रा बताइएगा मुझे। आपको ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है या बस से, बताइएगा। वैसे मुझे तो पर्सनली ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ एक ऐसे सफ़र पर निकलूँ जिसका कोई स्टेशन ही ना है, और मैं लाइफ टाइम बस ट्रेन में ट्रैवल ही करती रहूँ। इस ट्रेन में मोस्टली जेंट्री एजुकेटेड लोगों की होती है, इस वजह से सब लोग शांत अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टॉप यानी कि इटावा जंक्शन, और इटावा फेमस है इटावा लॉयन सफारी के लिए। अगर थोड़ा सा एडवेंचरस आपको फील लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्रीमियम ट्रेन्स में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है उनके वॉशरूम, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, और ये शताब्दी ट्रेन का वॉशरूम जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है। और अंदर एसी बहुत ज़्यादा चिल कर रहा था इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर आ गई थी। और देखते ही देखते हमारा सेकेंड स्टेशन आ गया है जो कि है अलीगढ़ जंक्शन, और कानपुर से न्यू दिल्ली के बीच में ये ट्रेन सिर्फ 3 जगह रुकती है, जो कि है फर्स्ट स्टॉप इसका इटावा जंक्शन, सेकेंड स्टॉप अलीगढ़, एंड थर्ड स्टॉप गाजियाबाद, और मुझे उतरना है गाजियाबाद। सो गाइज, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अलीगढ़, और अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? अलीगढ़ फेमस है तालों के लिए, तो जिसके घर में ना हो ताले यहाँ से ले जाएं। और एसी बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रीजर में डाल दिया गया है, बहुत बहुत ठंड लग रही है मुझे। और यहाँ पर ट्रेन 12 मिनट पहले आ गई है इसलिए थोड़ा रुकी हुई है। तो यहाँ पर कानपुर में इतना वेदर अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पर धूप निकली हुई हल्की सी, जो कि अच्छी बात है, थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। सो आपको सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है? वैसे पर्सनली मुझे सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है और फ्रेंड्स के साथ। वैसे फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा हैं नहीं, और जो हैं उनसे इतनी नहीं बनती कि उनके साथ ट्रैवल कर सकूँ, तो मेरा पर्सनल व्यू तो सोलो ट्रैवलिंग ही मुझे ज़्यादा पसंद है। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और बस अब मैं गाजियाबाद से 2 किलोमीटर दूर हूँ। In my
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. गाइज आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है. सुबह 4 बजे की उठी हूँ मैं और पूरा दिन बस भागते दौड़ते गया है. सो अब फाइनली मैं एक अपने रिलेटिव के यहाँ आ गई हूँ और कल सुबह मॉर्निंग की मेरी कानपुर की ट्रेन है. जी हाँ, मुझे यहाँ आने की खुशी कम थी लेकिन वापस जाने की खुशी बहुत ज़्यादा है. अपनी सिटी से प्यार अलग ही बात है यार. माई सिटी इज़ बेस्ट लिटरली. सो मॉर्निंग में निकलूँगी, फिर देन आई अपडेट यू. The next day. Guys, good morning. So I'm leaving now for Kanpur. गाजियाबाद स्टेशन से मेरी ट्रेन है और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर. सो अब चलते हैं अपने सिटी यानी कि कानपुर और बाकी जो भी अपडेट होती है मैं आपको देती रहूँगी. अगर आप लोगों में से किसी ने सोनू के टिकटू की स्वीटी मूवी देखी होगी तो सोनू के टिकटू की स्वीटी मूवी की शूटिंग इसी लोकेशन पर हुई थी. सो अब मैं अपनी ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और इस बार मेरी ट्रेन है सीमांचल एक्सप्रेस. इस बार मैंने शताब्दी बुक नहीं की क्योंकि पिछली बार वेदर चेंजमेंट की वजह से शताब्दी में मैं थी और मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया. तो आप मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, इसी वजह से ब्लॉग भी इतना लेट हो गया और सामने कोई तो ट्रेन थी तो मैंने जस्ट सूट कर ली. क्लाउड्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो. लिटरली देखिएगा, ये मैंने जहाँ तक शूट किया ये क्लाउड्स ऐसे ही मेरे साथ रहे हैं. तो दिस इज अमेजिंग. डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, कि डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफ़र पर है दिल, अब जाना तो होगा. सो देखते ही देखते ये सफ़र भी पूरा हो गया और मैं कानपुर पहुंच गई. तो बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया. तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना.